जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे हैं। सबकी तैयारी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है, बढ़िया चलनी चाहिए। हम पढ़ रहे हैं एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में जो आज हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो आज का चैप्टर है वो है बौद्ध धर्म। चैप्टर डालो बौद्ध धर्म, चैप्टर डालो बौद्ध धर्म। आज जो हम पढ़ने आ रहे हैं वो किसके बारे में पढ़ने आ रहे हैं? बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसको हम पढ़ेंगे किस तरीके से? सबसे पहले हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म के परिचय के बारे में, कि बौद्ध धर्म आखिरकार था क्या, शुरू किसने करा, इन सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। महात्मा बुद्ध के बारे में हम देखेंगे, उनके जीवन के बारे में हम देखेंगे, कहाँ उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, किस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया, किस नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त किया, कौन सा गाँव था वो, इन सब चीज़ों को देखेंगे। फिर हम देखेंगे उनके उपदेशों के बारे में। फिर हम देखेंगे बौद्ध धर्म से जो भी जुड़े हुए साहित्य हैं, जो भी किताबें हैं, उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म का आखिरकार सिद्धांत क्या है, सिद्धांत के बारे में देखेंगे। फिर हम देखेंगे बौद्ध संगति के बारे में, बौद्ध संगति के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, फिर आगे हम देखेंगे कि बौद्ध धर्म जो टूट गया उसके बारे में देखेंगे, है ना। फिर चिन्ह वगैरह देखेंगे। कुल मिला के ये है कि हम बौद्ध धर्म के बारे में स्पष्ट रूप से पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे, और जो भी एग्जाम में यहाँ से सवाल बने हैं, जो बनने की संभावना है, उन सबको डिस्कस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो सब बच्चे अच्छे से पढ़ना, बढ़िया से पढ़ना, एग्जाम में यहाँ से सवाल अच्छी मात्रा में पूछा जाता है। ठीक है, चैप्टर डालो बौद्ध धर्म। ठीक है, तो आज किसके बारे में हम पढ़ेंगे? बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ेंगे, बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं। तो अगर हम बात की जाए बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। ठीक है, अगर एग्जाम में पूछा जाए बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो कौन है? महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध। ठीक है, संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध। ठीक है, महात्मा बुद्ध, जिनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में जाना जाता है किसको? महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। इनके बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। वहीं अगर देखा जाए इनका जन्म कहाँ हुआ, जन्म कहाँ हुआ, जन्म का भी हमें पता होना चाहिए, तो कहाँ हुआ? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ, ये कहाँ पड़ता है? नेपाल में। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ। कपिल वस्तु के लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, ये कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है, तो कहाँ? कपिल वस्तु के लुम्बिनी। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। महात्मा बुद्ध के जन्म के ऊपर काफी बार सवाल पूछा गया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ, तो कहाँ हुआ? लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, या कपिल वस्तु में इनका जन्म हुआ था, कुछ भी बोल सकता है। संस्थापक कौन है बौद्ध धर्म के? महात्मा बुद्ध। बचपन का नाम क्या है? सिद्धार्थ है। जन्म कहाँ हुआ? कपिल वस्तु के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ। ठीक है, अगर हम जन्म की डेट की बात की जाए तो क्या है? ईसा पूर्व। ठीक है, 563 ईसा पूर्व। ठीक है, 563 ईसा पूर्व में क्या हुआ इनका जन्म। ठीक है, वहीं अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए, मृत्यु कब हुई? ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व, 563 ईसा पूर्व। ठीक है, भाई अगर मृत्यु की बात की जाए तो वो कब हुआ? 843 ईसा पूर्व। 843 ईसा ठीक है, बात यहां तक समझ में आ रही है? यहां तक किसी कोई दिक्कत है? नहीं। अब देखते हैं महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था, ठीक है, और इनकी माता का क्या नाम था? पिता का क्या नाम था और माता का क्या नाम था? फिर हम देखेंगे इनके पिता किस कुल के थे और माता किस कुल की थी, ठीक है, या किस वंश की थी? पिता किस वंश के थे और माता किस वंश की थी?
अगर पिता की बात की जाए, महात्मा बुद्ध के पिता की बात की जाए, तो उनका नाम था सुद्धोधन। ठीक है, वो किसके थे? शाक्य वंश के। ठीक है, शाक्य वंश के। तो महात्मा बुद्ध किस वंश के हुए? शाक्य वंश के हुए, शाक्य वंश के हुए। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा महात्मा बुद्ध किस वंश के थे, तो किसके थे? शाक्य कुल या शाक्य वंश के थे। तो जो इनके पिता थे सुद्धोधन, वो क्या थे? शाक्य वंश के प्रधान थे। ठीक भाई, अगर इनकी बात माता की जाए तो वो क्या नाम था? महामाया, महामाया, महामाया। किस वंश की थी? वो थी कोलीय वंश की, कोलीय वंश। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत है? जन्म कहाँ हुआ? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ, 563 ईसा पूर्व में हुआ। मृत्यु कभी? 843 ईसा पूर्व में हुई। पिता का नाम सुद्धोधन, किस वंश के थे? शाक्य वंश के थे। माता का क्या नाम था? महामाया। किस वंश की थी? कोलीय वंश की थी। कोई दिक्कत है यहां तक? कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। तो जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, उसके ही एक हफ्ते के अंदर, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो उसके एक हफ्ते के अंदर जो उनकी माता थी महामाया, उनकी मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद जो इनका पालन पोषण किया था वो किसने किया था? महात्मा बुद्ध की मौसी ने, या कहा जाए सिद्धार्थ की मौसी ने उनका पालन पोषण किया था। ठीक है, जिनका क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। मौसी का क्या नाम है? प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। इन्होंने क्या किया था? सिद्धार्थ का पालन पोषण किया था। ठीक है, पालन पोषण इनकी मौसी ने किया था। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी। क्यों किया था? क्योंकि महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ था तो एक सप्ताह के भीतर ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी, जो किस वंश की थी? कोलीय वंश की थी, कोलीय वंश की थी। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और बातें। जैसे अगर देखा जाए जो महात्मा बुद्ध थे, सिद्धार्थ थे, इनके घोड़े का क्या नाम था? इनका एक घोड़ा था जिसका नाम क्या था? घोड़े का क्या नाम था? कंथक। घोड़े का क्या नाम था? कंथक। घोड़े का क्या नाम था? कंतक। भाई अगर सारथी की बात की जाए, सारथी का क्या नाम था? चाण। या कहीं कहीं नाम मिलेगा चन्ना, दोनों एक ही हैं, इस बात को याद रखना। ठीक है, घोड़े का नाम कंतक, सारथी का नाम चाण या चन्ना, चाण या चन्ना। ठीक है, 16 वर्ष की आयु में ही इनकी शादी हो गई थी। ठीक है, तो इनकी पत्नी का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था यशोधरा, यशोधरा, यशोधरा। इनका एक बेटा भी था और बेटे का नाम क्या था? राहुल। बेटे का क्या नाम था? राहुल। ठीक, यहां तक किसी को दिक्कत है? नहीं हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक के रूप में किसको जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को जाना जाता है, जिनके बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था, जिनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कब? 563 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था, मृत्यु 843 ईसा पूर्व में उनकी मृत्यु हुई थी। पिता का नाम क्या था? सुद्धोधन था, जो शाक्य वंश का था। एग्जाम में पूछा जाएगा महात्मा बुद्ध किस वंश के थे, तो किसके थे? शाक्य वंश के थे। किस वंश के थे? शाक्य वंश के थे। माता का क्या नाम था? महामाया, जो किस वंश की थी? कोलीय वंश की थी। मौसी का क्या नाम था? प्रजापति गौतमी, जिन्होंने ही पालन पोषण किया। किसका? महात्मा बुद्ध का पालन पोषण किया। घोड़े का नाम था कंथक, सारथी का नाम था चाड़ या चना, पत्नी का नाम था यशोधरा और बेटे का नाम था राहुल। यहां तक किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अगर हम बात की जाए महात्मा बुद्ध, महात्मा बुद्ध के अन्य नाम, इनको कुछ अन्य नामों से भी जाना जाता है जिनको याद रखना जरूरी है। ऐसे बचपन का नाम क्या मिलता है इनका? सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ कब का नाम था? बचपन का नाम था, बचपन का नाम था। ये किस वंश के थे? शाक्य वंश के। तो इस वजह से इन्हें क्या कहा गया? शाक्य मुनि। क्या कहा गया? शाक्य मुनि।
शाक्य मुनि, शाक्य मुनि कहा गया, ठीक है। और दूसरा इनको कहा गया कनक मुनि, कनक मुनि नाम मिलता है। क्या नाम मिलता है? सिद्धार्थ, शाक्य मुनि, कनिक मुनि, और इन्हें मॉडर्न टाइम में क्या कहा जाता है? लाइट ऑफ एशिया। आपसे पूछा जाएगा लाइट ऑफ एशिया के रूप में किसको जाना जाता है, तो किसको जाना जाता है? महात्मा बुद्ध को जाना जाता है, महात्मा बुद्ध को जाना जाता है। किसी को ये दिक्कत है यहां तक तो पूछ सकता है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। महात्मा बुद्ध के कुछ अन्य नाम जो है, सिद्धार्थ, शाक्य मुनि, कनक मुनि और लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, ठीक। कोई दिक्कत है यहां तक? नहीं, ठीक है। और एक नाम और मिलता है जो है क्या, तथागत। इसका मतलब क्या होता है आपको आगे बताया जाएगा, टेंशन मत लो, हर चीज बताई जाएगी, ठीक। ये इन नामों से महात्मा बुद्ध को जाना जाता है, इस बात का आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देख लेते हैं कि जन्म के समय क्या स्थिति थी, क्या नहीं थी, कुछ चीजें समझनी भी जरूरी है, ठीक है। क्या होना चाहिए जब कोई हम चीज पढ़ते हैं, इफेक्ट वाली चीजें वो हमें याद होनी चाहिए, और यहाँ पीछे एक इमेज बननी चाहिए ताकि सब चीजों को एक साथ हम समझ सकें। आता है समझ में? जैसे एक माला होती है, माले के अंदर कई सारे मोती होते हैं, और वो मोती की खास बात ये होती है कि सब उस डोर से जुड़े हुए होते हैं, अगर वो डोर टूट गए तो मोती बिगड़ जाएंगे। उसी तरीके से जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो सब चीजें एक स्टोरी के रूप में बनी हुई होती हैं, अगर वो स्टोरी टूटी तो वो मोती बिखर जाएंगी, फिर वो माला काम की नहीं रहेगी, खंडित हो जाएगी फिर। बात ही समझ, तो इसलिए ये चीज भी जरूरी है, इस बात को भी समझो, ठीक है। अब समझते हैं, ये बातें जो लिखाई गई हैं ये तो आपको पता ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं पता है तो फिर बहुत दिक्कत की बात आ जाएगी, एग्जाम क्रैक करना मुश्किल हो जाएगा। बता रही है समझ में? चलो समझते हैं आगे। जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, जब महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो उस समय उनके दरबार में एक ज्योतिषी आए जिनका नाम क्या था? कालदेव। जब कहा जाए एक संत आए कालदेव, जब वो आए, जब उन्हें बुलाया गया, जब पहले राजा महाराजाओं के बच्चा होता तो वो बुलाते थे, वो बताते थे कि हाँ आपके यहाँ बच्चा हुआ है, ऐसा है, वैसा है, ये रेखा ये बताती है, ये बताता है, इस तरह की चीजें बताई जाती थी। तो जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ या महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ तो दरबार में एक संत आए जिनका नाम क्या था? कालदेव। जब कालदेव आए तो उन्होंने भविष्यवाणी करी, उन्होंने पूछा, उनके माता पिता ने पूछा महात्मा बुद्ध के कि हमारा बेटा क्या बनेगा, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा बेटा या तो बहुत एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। माता पिता खुश हुए कि चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। फिर उन्होंने कहा कि या तो ये एक बहुत बड़ा महात्मा बनेगा, संत बनेगा, महात्मा बनेगा। उसके माँ बाप थोड़े निराश हुए, ठीक है, जो पिताजी थे वो थोड़े निराश हुए महात्मा बुद्ध के कि यार मैंने इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा किया, ये है वो है, और बेटा संत बन जाएगा, मतलब सब कुछ छोड़ देगा। तो वो थोड़े से निराश, उन्होंने कहा क्या करा जाए। तो उन्होंने पूछा कालदेव से कि अगर मैं चाहूँ कि बहुत बड़ा सम्राट बने और संत ना बने तो क्या करना होगा। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो, जिस दिन इन्होंने ये चार चीजें देख ली, जिस दिन इन्होंने कुछ चार चीजें देख लिया, चार चीज देख लिए, इन्हें संत बनने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने बोला वो चार चीजें क्या है? उन्होंने बोला एक वृद्ध व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, मृत व्यक्ति, ठीक है, ये सन्यासी। अगर जिस दिन इन्होंने इनको देख लिया तो फिर दिक्कत आ जाएगी, ठीक। अब ये स्टोरी मिलती है तो फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने एक खूब बड़ा सा महल बनवाया, उसके अंदर सिद्धार्थ को रखवाया, उनके ऐशो आराम की सब चीजें, सब कुछ, ठीक है, सब कुछ होता रहा। ना उन पे किसी बीमार इंसान की छाया पड़ने दी, ना किसी बीमार इंसान की छाया पड़ने दी, ना किसी मृत व्यक्ति को बारे में, उनके बारे में पता लगना पाया कि हाँ ये मर गया है महात्मा बुद्ध, ताकि इस बात को पता चले, ठीक है, उनको रखा गया। तो एक दिन की बात है, जब उनकी और उनके एक भाई था, चचेरा भाई था शायद, तो उससे अभी लड़ाई हो रही थी, या कहा जाए वाद विवाद हो रहा था। तो उसने कहा कि अभी तो ठीक है, तुम हष्ट पुष्ट हो, जिस दिन बीमार पड़ोगे उस दिन देखूंगा मैं तुम्हें। तो सिद्धार्थ ने कहा बीमार ये क्या होता है भाई, बीमारी क्या होती है? तो उनके मन में वो सवाल घूम रहा था। जब घूम रहा था तो उनका जो सारथी था, चाड़ या चना बोलो, जो सारथी था चना, उससे उन्होंने कहा कि ये बीमार क्या होता है? तो
कुछ ने कुछ नहीं कहा। तो उन्होंने कहा, सिद्धार्थ ने कहा कि मैं अपना पूरा साम्राज्य घूमना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी प्रजा को भी मिल सकूँ, उनसे घूम सकूँ। तो वो उन्हें लेके गए घुमाने। जब वो घुमाने लेके गए, जब वो उनका जो साम्राज्य था उसका भ्रमण करवाने लगे, चाड़ या चना भ्रमण करा रहे थे, तो जब वो निकले तो उन्होंने जब वो निकले तो सबसे पहले एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, वो कोल मुरझा हुआ। तो उन्होंने बोला, ये क्या है भाई? तो उसने बताया कि ये वृद्ध इंसान है, ये बूढ़ा इंसान है। उन्होंने बोला, बूढ़ा इंसान ये क्या होता है? उन्होंने बोला कि ये देखो, ये जिंदगी की एक फेज है, सबको बूढ़ा होना पड़ता है, हर कोई बूढ़ा होगा, आप भी बूढ़े होगे, मैं भी बूढ़ा होगा, ये सब इस तरीके से उन्होंने बोला, मैं भी बूढ़ा हूँगा। हाँ, तो इस बात को सुनकर सिद्धार्थ थोड़ा निराश हुआ कि भाई ये तो गलत हो जाएगा। फिर उन्होंने एक शख्स देखा जो बीमार था, जब वो थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने पूछा, भाई ये कौन है? उन्होंने बोले, बीमार। उनके बीमार क्या होता है? बोले, ये शरीर जब दुर्बल हो जाता है तो उसको बीमार कहा जाता है। तो उनको निराश हुआ, वो फिर देख के वो निराश हुए कि यार ऐसे तो मेरा शरीर भी कभी ना कभी बीमार होगा। फिर वो आगे गए तो कुछ लोग शोक मनाते हुए एक मृत शरीर को लेके जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या लेके जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि ये इंसान मर गया है, इसको लेके जा रहे। तो वो पूछता कि मृत्यु क्या होती है? उन्होंने बोला कि ये जैसे हर चीज़ की एक्सपायरी, हमारे शरीर की भी एक्सपायरी है, एक दिन चला जाना है यहाँ से, सबको खाली हाथ जाना है और खाली हाथ आना है, इस तरह की बात कही। उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर जब वो आगे गए तो उन्होंने देखा कि एक कोई है सन्यासी टाइप में, वो बैठा है और उसके चेहरे पे एक अलग तरह की मुस्कान है। उसने पूछा कि ये कौन है? उन्होंने बोला सन्यासी। उन्होंने सन्यासी क्या होता है? उन्होंने बोला जो इस सब दुख से सब कुछ परे है, जो सन्यासी हो गया है बिल्कुल, ठीक है, जो बिल्कुल प्रसन्न मुद्रा में रहता है, उन्होंने सन्यासी। तो महात्मा बुद्ध या कहा जाए सिद्धार्थ के मन में एक ख्वाहिश आई कि अरे असली जीवन तो ये है जो ये जी रहा, जो ये सन्यासी जी रहा, असली जीवन तो ये है। हम तो बिना मतलब के मेहनत करे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, बीमार पड़े जा रहे हैं, ठीक है, निराशा में घिरे जा रहे हैं, लेकिन असली जीवन तो ये जी रहा है क्योंकि इसने सच को जान लिया। उनको ठीक है, पता ही सुन। तो एग्जाम में यहां से एक सवाल बनेगा, पहले उसको देखो, ठीक है? जैसे क्या? जैसे क्या कि सिद्धार्थ ने अपने साम्राज्य के भ्रमण के दौरान चार अवस्थाओं को देखा, चार अवस्थाओं को देखा। एग्जाम में पूछा आएगा किन अवस्थाओं को देखा, ठीक है? पहला वृद्ध व्यक्ति, दूसरा बीमार, तीसरा मृत, चौथा संन्यास, ठीक है, संन्यास। देखो अगर इन बातों को देखा जाए तो सबसे अगर देखा जाए कि सबसे अधिक विचलित कौन होता है, क्या शरीर या क्या चीज, ये विचार क्या होता है सबसे अधिक विचलित? ये हमारा मन, ये एकदम विचलित होते हो जाता है किसी भी चीज को सोचकर, किसी भी चीज को समझ, बात आई समझ? इसलिए तो जब बच्चा जो पढ़ता है उसको लगता है एक दिन कि वो, तो सबसे अधिक विचलित क्या होता है? हमारा मन होता है। जब बच्चा एक दिन पढ़ता है तो उसको लगता है कि अरे ये तो आसान है, मैं आज 12 घंटे भी पढ़ सकता हूँ। लेकिन अगले दिन या कुछ समय बाद उसके मन में एक विचार फिर से उत्पन्न होता है कि अरे यार पढ़ने के कोई फायदा नहीं है, नौकरी तो है नहीं, वैकेंसी तो है नहीं, क्या लगेगी, छोड़ो यार वो, कुछ और करता हूँ। ये भी एक विचार है, ठीक है। एक विचार होता है जो उसको ऊपर की तरफ लेके जाता है, एक विचार है जो उसको नीचे की तरफ लेके जाता है। लेकिन उसका क्या काम होना चाहिए? जब यहाँ आए तो यहाँ स्टेबल करे अपने आप को, यहाँ आए तो यहाँ स्टेबल करे, यही जिंदगी, बताइए समझो। चलो समझ, तो चार अवस्थाओं को देखा। वो चार अवस्थाएं कौन सी हैं? वृद्ध व्यक्ति, बीमार, मृत और एक सन्यासी, मृत और एक सन्यासी, ठीक है। जब इन सबको देखा महात्मा बुद्ध ने तो उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया, ठीक है, मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ और 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। 29 वर्ष की आयु में घर को छोड़ दिया, 29 वर्ष की आयु में घर को छोड़
दिया। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया था और उन्होंने ग्रह को छोड़ दिया, ग्रह त्याग कर दिया। ठीक है, और यह घटना, महाविनिष्क्रमण कहलाई, महाविनिष्क्रमण कहलाती कहलाती ठीक है, यह कहलाई। कहा गया, समझ लो। उनके मन में जब इन्होंने इन चार अवस्थाओं को देखा तो मन में एक वैराग्य उत्पन्न हुआ और 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया, घर को छोड़ दिया। और यह घटना क्या कहलाई? ये क्या कहलाई? महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया? क्या कहा गया? महाविनिष्क्रमण, महाविनिष्क्रमण। बात कोई दिक्कत यहां तक? किसी कोई दिक्कत है? नहीं, महाविनिष्क्रमण। ठीक, अब समझते हैं कुछ और बातें जो जरूरी हैं। जब उन्होंने गृह त्याग करने के बाद क्या हुआ कि अनुप्रिया नामक वाटिका में रुके, अनुप्रिया नामक वाटिका में रुके, अनुपे नामक वाटिका में रुके, अनुपे नामक वाटिका में रुके। इसके बाद आपको सिक्वेंस भी पता होना चाहिए ना, इसके बाद राजगृह चले गए, इसके बाद राजगृह चले गए। पहली बात, अनुपे नामक वाटिका में रुके, इसके बाद ये राजगृह चले गए, राजगृह चले गए। ठीक है, और वैशाली में इनकी मुलाकात, वैशाली में इनकी मुलाकात, वैशाली में इनकी मुलाकात, वैशाली में इनकी मुलाकात सांख्य दर्शन के गुरु, सांख्य दर्शन के गुरु अलार कलाम, सांख्य दर्शन के गुरु या आचार्य अलार कलाम से हुई। ठीक है, अलार कलाम से हुई। ठीक है, अलार कलाम से हुई, अलाम कलाम से हुई। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? और यह है बुद्ध के प्रथम गुरु कहलाए, एग्जाम में पूछा जाएगा महात्मा बुद्ध के गुरु का क्या नाम था या महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु का क्या नाम था। तो प्रथम गुरु का क्या नाम था? क्या नाम था? अलार कलाम उनका नाम था। वो किसके गुरु थे, या कहा जाए किस चीज में विश्वास करते थे? वो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। किसके आचार्य थे? सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं महात्मा बुद्ध ने सांख्य दर्शन की भी शिक्षा ली। ठीक है, जब उन्होंने अलार कलाम से मिले, सांख्य दर्शन के बारे में समझा, ठीक है, चीजों को समझा, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं थे। या कहा जाए जो उन्होंने पाने की उपेक्षा करी थी या जो उन्होंने पाने के बारे में सोचा था वो उनको नहीं मिला, वो उनको नहीं मिला। ठीक है, जिसके बाद जो महात्मा बुद्ध की मुलाकात होती है वो किससे होती है? रुद्रक राम से होती है। इसके बाद मुलाकात रुद्रक राम से होती है। रुद्रक राम से होती है तथा योग शिक्षा ग्रहण। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध ने योग शिक्षा किससे सीखी? योग शिक्षा किससे सीखी? योग शिक्षा किससे सीखी? रुद्रक राम से। महात्मा बुद्ध ने
योग शिक्षा किससे सीखी? रुद्रक राम से। और अगर पूछा जाए महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे या पहले गुरु कौन थे, तो वो कौन थे? अलार कलाम थे। प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। ठीक है, इस बात को याद रखना। अलार कलाम थे, इतनी लिखो, इतना लिखो, इतनी बात को लिखो। ठीक है, तो अगर बात की जाए तो महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु कौन? अलार कलाम। और महात्मा बुद्ध ने योग शिक्षा किससे ली? तो किससे ली? रुद्रक राम। ये दो बातों में अंतर समझना। इसके बाद महात्मा बुद्ध अनेक, या कहा जाए और भी बहुत सारे गुरुओं से मिले, बहुत अधिक धर्माचार्यों से मिले, ठीक है, लेकिन उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने देखा कि वो गुरुओं से मिल रहे हैं, गुरुओं के पास जो है वो सीख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। उनको जो चाहिए था वो फिर भी नहीं मिल पा रहा है, और वो इस बात से उदास भी हुए। और उन्होंने सोचा कि अब मैं खुद ही ज्ञान प्राप्ति के लिए कुछ करता हूँ। ठीक है, जब उनके ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने क्या काम किया, समझो उस बात को। जब उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो वो बुद्ध उरुविले चले गए। बुद्ध उरुवेला, या ब्रैकेट में लिखना गया, चले गए। ठीक है, बुद्ध उरुवेला या गया चले गए वहां निरंजना नदी के किनारे चले गए, तथा निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे पांच ब्राह्मणों के साथ तपस्या की, लेकिन ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, कहने का मतलब यह है, जब उनका ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो उन्होंने तपस्या करी। वो कहाँ चले गए? उरुवेला या गया चले गए, जहां पे उन्होंने निरंजना नदी के किनारे एक वृक्ष के नीचे पांच ब्राह्मणों के संग बैठे और तपस्या करी कि उनको ज्ञान प्राप्त हो जाए, लेकिन उनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है, और ये पांच ब्राह्मण जो होते, ये भी इनका साथ छोड़ के चले गए। जब इनको भी ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ, ये भी छोड़ के चले गए कि भाई हम भी चले अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ये भी चल दिए। ठीक है, तो एक कहानी मिलती है कि एक बच्ची आती है इनके पास, एक छोटी बच्ची आती है इनके पास महात्मा बुद्ध के पास, जब ये बैठे होते हैं तपस्या में, और इन्होंने एक चीज का निर्णय लिया कि मैं ना जब तक कुछ खाऊंगा, ना जब तक कुछ पीऊंगा, जब तक मैं ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेता, तो एक बच्ची आती है, वो कहती है कि तुम उस चीज को क्यों बाहर ढूंढते हो जो तुम्हारे अंदर है, उस चीज को बाहर क्यों ढूंढ रहे हो जो तुम्हारे अंदर है। और कहा जाता है कि जब इस बात के बाद, यह कहा जाए इस घटना के बाद ही महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि बच्चों में भगवान वास करते हैं। बात आई समझ में? बच्चा किसी का भी हो, भगवान वास करते हैं, या भगवान का रूप ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, वो उसको खुद नहीं पता, लेकिन कभी कभी बात बड़ी खतरनाक कह जाता है बच्चा भी। बात आई समझ में? क्या आज के समय के तो बच्चे भी बदल गए, बच्चे होने से पहले बड़े हो जा रहे हैं वो। चलो ठीक है, तो क्या हुआ, गृह त्याग के छह वर्ष पश्चात बोध गया में निरंजना
नदी के किनारे निरंजना नदी के किनारे निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे पीपल के वृक्ष के नीचे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान ज्ञान प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति हुई और तथागत कहलाए, और बुद्ध तथागत कहलाए, और बुद्ध तथागत कहलाए। तथागत मतलब सत्य है ज्ञान, जिसका सत्य है ज्ञान जिसका तथागत कहलाए। समझ में आई बात? गृह त्याग के 6 साल के बाद महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ कहाँ? निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई, और बुद्ध क्या कहलाए? तथागत कहलाए, तथागत कहलाए। बात हुई क्लियर? और पीपल का वृक्ष बोधि वृक्ष कहलाए, महाबोधि वृक्ष कहलाए। महाबोधि वृक्ष कहलाए। कोई बात यहां तक ऐसी तो समझ में नहीं आई हो? समझो, जब बुद्ध उरुवेला गया गए तो निरंजना नदी के किनारे वो एक वृक्ष के नीचे बैठे, उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठे 5 ब्राह्मणों के संग। जब उनको ज्ञान प्राप्ति नहीं हुई तो वह 5 ब्राह्मण इनके साथ छोड़ के चले गए। महात्मा बुद्ध फिर भी अकेले तपस्या करते रहे, फिर भी इनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। तो जब एक बच्ची ने इनसे वो बात कही कि क्यों उस चीज को बाहर ढूंढते हो जो तुम्हारे अंदर है, तो उसके बाद कहा जाता है कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी। ठीक है, गृह त्याग के 6 वर्ष बाद उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था कहाँ? बोध गया में निरंजना नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष था जिसके नीचे इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, और यह क्या कहलाए? तथागत, यह सत्य है ज्ञान जिसका कहलाए। और वो पीपल का वृक्ष क्या कहलाए? मोदी महाबोधि वृक्ष कहलाए। एग्जाम में पूछा जाएगा महात्मा बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई? ऑप्शन ए साल, ऑप्शन बी पीपल, ऑप्शन सी बरगद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब हमने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा, इससे पिछली क्लास में महावीर के बारे में पढ़ा, तो हमें दोनों के बीच में डिफरेंस भी याद रखना पड़ेगा, किसको किस वृक्ष के नीचे, किसको किस नदी के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई, क्योंकि एग्जाम में सब चीजें वहां पर एक जैसी ही लगेंगी, फिर दिक्कत की बात हो जाएगी। ठीक, किसी कोई दिक्कत है? एक चीज और समझो, और वो है बुद्ध पूर्णिमा। ये क्या होता है कोई बताएगा? पूर्णिमा क्या है? अमावस्या क्या है? ये तो सबको पता है। अमावस्या वो होती है कि जिस समय हमें चांद दिखाई नहीं देता आसमान में, पूरा अंधकार होता है, उसको अमावस्या कहते हैं। जब हमें चांद दिखाई देता है उसको हम पूर्णिमा बोल देते हैं, आसान सी भाषा में ये कहा जाता है। तो बुद्ध पूर्णिमा का क्या मतलब होता है? ठीक है, बुद्ध पूर्णिमा किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? वैशाख पूर्णिमा। वैशाख पूर्णिमा को क्या कहा गया? बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। क्यों क्यों? क्योंकि समझो, महात्मा बुद्ध का जन ज्ञान प्राप्ति व मृत्यु, महात्मा बुद्ध के जन ज्ञान प्राप्ति या कहा जाए मृत्यु किस दिन हुई? वो हुई थी किस दिन? वैशाख पूर्णिमा को। किस दिन हुई थी? वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। वैशाख पूर्णिमा को हुई थी, ठीक है, वैशाख पूर्णिमा को हुई थी, जिस वजह से उसको क्या कहा जाता है? बुद्ध पूर्णिमा। वैशाख क्या होता है? अप्रैल वाले महीने में जो पूर्णिमा आती है उसको बोलते हैं वैशाख, अप्रैल में। ठीक है, इस बात को लिख लेना, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आज की क्लास में रखते हैं इतना, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जो महात्मा बुद्ध ने उपदेश दिए उनके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से, डिटेल में सब चीजें और बढ़िया से कवर करेंगे। जब तक बढ़िया से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, बढ़िया से तैयारी अपनी करो। ठीक है, तो आज की क्लास रखते हैं यहीं, आशा करता हूँ सब चीजें आपको समझ में आई होंगी। देखो, कहा जाता है बहुत सारी चीजें हैं जीवन में, इंसान एक सामाजिक प्राणी है, उसको सब काम करने हैं,
दोस्ती भी रखनी है, घूमना भी है, फिरना भी है, लोगों से रिश्ते भी रखने हैं, पार्क में भी घूमना है, पढ़ना भी, बहुत सारी चीज़ें उसको करनी है। अब दो तरह के लोग होते हैं इसमें भी, एक जो बैलेंस बना के रखते हैं और ठीक ठाक जिंदगी को सही सिरे पे ले जाते हैं, एक जो बैलेंस बना के नहीं रखते उनकी कश्ती डूब जाती है। इसलिए जिंदगी में बैलेंस बना के रखो, नहीं रखोगे तो फिर दिक्कत की बात आएगी। ठीक है, प्लास्टिक गिलास रखते हैं यहीं।